गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की एनडीए सीडीएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और मैं अतुल सर आज क्लास कंटिन्यू करूंगा। आप लोग क्लास का जो शेड्यूल है वो आ चुका है और अब जो क्लासेस है वो शेड्यूल होगी। मैंने लास्ट टाइम पे भी जिन बच्चों ने वीडियो देखा आपको पता होगा, मैंने बताया था कि 3 दिन मैथ्स होगी और 3 दिन इंग्लिश होगी, 3 दिन जीएस होगी जनरल स्टडी और 3 दिन जो है आपका जनरल साइंस। तो ये इस तरीके से शेड्यूल आपका रहेगा, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं जीएस में हिस्ट्री। तो इतिहास हिस्ट्री किसे कहते हैं? इतिहास जो बीत गया वो इतिहास, ठीक शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं। ये बहुत डीपली आपके मतलब का नहीं है, जो आपके एग्जाम्स में आता है उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहले इतिहास जानने के स्रोत, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, आप कैसे जान सकते हैं अपने इतिहास? इतिहास में जैसे मेरा अपना एक हिस्ट्री है, मैं बचपन में पढ़ने में कैसा था, झगड़ालू प्रवृत्ति का था कि नहीं था, मारपीट करता था कि नहीं करता था, कोई भी चीज है ठीक है, मेरी क्लास में परफॉर्मेंस कैसी रहती थी, मोहल्ले में लोगों को कितना पसंद करते थे नहीं करते थे, मेरा अतीत जो इतिहास है। लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? वो हिस्ट्री पूछी जाएगी जो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रमाणित है, उस हिस्ट्री को पूछा जाएगा ठीक है। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ हिस्ट्री के लिए सबसे पहली चीज क्या है? धर्म ग्रंथ। तीन चीजें हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री के लिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल धर्म ग्रंथ। सबसे पहले सोर्स ऑफ हिस्ट्री के लिए सबसे पहली चीज क्या है? धर्म ग्रंथ। सबसे पहली चीज धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ क्या है? जैसे हमारा हमारा जैसे मान लीजिए रामायण है, महाभारत है, पुराण है, वेद है, ये हमारे धर्म ग्रंथ है। इनमें जो लिखा है उसके द्वारा ये पता चलता है कि जो पास्ट था उसमें कैसे क्या होता था, उसकी सामाजिक दशा क्या थी, किसी चीज की क्या दशा थी, वो सारी चीजें पता चलती है, किस तरीके से वर्कआउट होता था ठीक है। सेकेंड चीज है, समझिएगा इसको पूरा कराएंगे एक साथ, विदेशियों का विवरण। तो नंबर दो है विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण, विदेशियों का विवरण। और तीसरी चीज जो दी गई है वो सोर्स ऑफ हिस्ट्री में, वो है आपका पुरातात्विक सारांश। पुरातात्विक सारांश, पुरातात्विक सारांश। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा एक एक करके। धर्म ग्रंथ जैसे रामायण है, अब रामायण में एक कैरेक्टर है राम, सीता, हनुमान और बहुत सारे लोग और हैं, उनमें पूरी चीजें बताई गई हैं। तो उससे ये पता चलता है कि उस समय किस तरीके से लोग रहते थे, अपने जिसको मानते थे उसको किस हद तक मानते थे ठीक है, किसी भी गलत काम करने वालों के साथ गलत जो है जवाब दिया जाता था उनको, तो ये सारी चीजें दी गई। महाभारत है तो रामायण में 7 कांड है, 7 कांड में अलग अलग चीजें बताई गई है ठीक। महाभारत में क्या है? 18 पर्व है, उसके चैप्टर को पर्व कहते हैं और रामायण के चैप्टर को कांड कहते हैं। 18 पर्वों में अलग अलग चीजें बताई गई है ठीक। अभी रामायण और महाभारत के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। इसी तरीके से पुराण, तो पुराण जो है जितने पुराण हैं 18 पुराण है, 19वां कोई पुराण नहीं है, आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है डुकरिया पुराण। तो 18 पुराण है, हर पुराण अलग अलग चीज से रिलेटेड है। तो इन धर्म ग्रंथों को पढ़कर ये पता चलता है कि पास्ट में किस तरीके से क्या होता था ठीक है, समाज जो है किस तरीके से आगे बढ़ रहा था, राजनैतिक सिस्टम क्या था, राजनैतिक दशा क्या थी, सामाजिक दशा क्या थी, आर्थिक दशा क्या थी, ये सारी चीजें इन धर्म ग्रंथों से पता चलती है। नंबर एक। नंबर दो क्या है? विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण क्या है इसको समझने की कोशिश करिएगा। हमने अपने यहाँ के जो
राइटर्स थे उसको क्यों नहीं सम्मिलित किया। जो फॉरनर इंडिया आए तो उन्होंने जहां भी जो चीज देखी उसको अपनी लैंग्वेज में लिखा, तो जब उन्होंने उसको अपनी लैंग्वेज में लिखा तो उनके ऊपर किसी का आधिपत्य नहीं था, तो जो चीज जैसी थी उन्होंने वैसी लिखी। जबकि जो हमारे यहाँ के राइटर थे तो ज्यादातर राइटर किसी न किसी राजा के दरबारी कभी भी होते थे, दरबार में रहते थे, तो जो दरबारी होते थे दरबार में रहते थे, तो चाहे वो कवि हो चाहे वो राइटर हो, तो वो उस राजा के लिए अच्छा ही अच्छा लिखते थे। कोई भी चीज मतलब उसमें कोई भी चीज जो है निगेटिव नहीं होती, इसलिए विदेशियों के विवरण को सम्मिलित किया गया है ताकि सही चीज हम तक आ सके। और तीसरी चीज दी गई है आपका पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य क्या है इसको समझने की कोशिश करिएगा। पुरातात्विक जो साक्ष्य है, ये जो पुरातात्विक साक्ष्य दिए गए हैं ये है हमारे टूल्स, यानी इतिहास हम कैसे जान सकते हैं टूल्स के माध्यम से। जिस समय कोई भी चीज निकल रही है, कोई चीज मिल रही है, उससे भी पता चलता है कि उस समय का सिस्टम कैसे रहा होगा। जैसे मोहन जोदड़ो हड़प्पा सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके बारे में जो कुछ भी हम पता करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टूल्स के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इस चीज को, कैसे करेंगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले दुनिया कैसे बनी, कैसे क्या हुआ, अब उसको समझ लीजिए। कोई कैसे दुनिया बनी ये नहीं पता, फिर एक सिविलाइजेशन बनता है, इसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन इसके बाद ये डिस्ट्रक्टिव कनेक्ट होता है और फिर एक कंटिन्यू चला रहा है सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन भले या कल्चर भले, ये बनता है वैदिक कल्चर। और ये टुडे कहने का मतलब ये है कि वैदिक कल्चर जब शुरू हुआ तो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, जो वैदिक कल्चर की सभ्यता थी वही अभी तक चल रही है, वो डिसकंटिन्यू नहीं हुई। वैदिक कल्चर की सभ्यता डिसकंटिन्यू नहीं हुई। तो इतिहास को हम कैसे पढ़ते हैं इसको अब हम लोग आते हैं, इस चीज को समझ लीजिए। और हम आपको पढ़ाएंगे वो आपके जो एग्जाम में है वो ये पोर्शन है, हम यहाँ से शुरू करेंगे और आपको आज तक जो है पूरा सिस्टम वो पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा, यानी ये सिविलाइजेशन जो चल रहा है ये अभी तक कंटिन्यू है। आपका जो चैप्टर है वो 600 BC है, 600 BC से आपके एग्जाम में जा रहा है, वहां से शुरू होगा। अब इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, उसको समझिए। सबसे पहले उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है हिस्ट्री। क्या है? नंबर 1 प्री हिस्ट्री, नंबर 2 प्रोटो हिस्ट्री, और नंबर 3 आपका हिस्ट्री। अगला प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री है, बेसिक्स बता रहे हैं आपको, प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ और सिर्फ टूल्स के माध्यम से हम पता करते हैं। पढ़ा मतलब पहली बात तो प्री हिस्ट्री में कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलते, सिर्फ और सिर्फ टूल्स के माध्यम से हम इसको पता करते हैं, ये प्री हिस्ट्री हो गई। प्रोटो हिस्ट्री क्या हो गई? इसमें रिटेन एविडेंस मिलते हैं, लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अशोक के शिलालेखों को ले लो, तो अशोक के जो शिलालेख हैं उनको पढ़ने का दावा किया है सर जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने पढ़ने का दावा किया, लेकिन उसको नॉर्मली किसी ने नहीं पढ़ा। तो ऐसे साक्ष्य जिनको पढ़ा नहीं जा सका, साक्ष्य मिलते तो हैं, तो जहां टूल्स के माध्यम से चीजें पता चलती हैं, जिन्हें साक्ष्य मिलते लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, उन्हें प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। और वो इतिहास जहां पर जो रिटन एविडेंस मिलते हैं, जिनको पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, जान सकते थे, वो सारा क्या हो गया? हिस्ट्री का पार्ट हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इतिहास में जो 4 धर्म ग्रंथ हैं, तो सबसे पहले 4 धर्म ग्रंथ कौन?
पहला धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद, सेकंड है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चार धर्म ग्रंथ है। ठीक है, सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। ठीक, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसमें 1028 ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। क्या है? सूक्त, 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। ठीक है, 1028 सूक्त है और सबसे प्राचीन इसमें जो 1028 सूक्त है और इसमें जो 10 चैप्टर है उसमें उनको मंडल कहते हैं। ऋग्वेद के चैप्टर को क्या कहते हैं? मंडल। इसमें दूसरे से सातवें मंडल की ऋचाएं सर्वाधिक प्राचीन है और पहला तथा दसवां मंडल अंत में जुड़ा, ये ऋग्वेद की खूबी है। ठीक है, और अंत में जुड़ा गया है और 1028 सूक्त है, ये सबसे पुराना वेद है। अब बहुत सारी चीजें ऋग्वेद में मिलती है, जैसे ऋग्वेद में पिता का उल्लेख 335 बार है, माँ का उल्लेख 234 बार है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, वो क्या पूछे जाते हैं? ऋग्वेद में पिता का उल्लेख कितनी बार है? 335 बार। माँ का उल्लेख कितनी बार है? 234 बार। पिता का उल्लेख कितनी बार है? 101 बार, माँ से ज्यादा है। इसके बाद क्या पूछा जाएगा? सबसे ऋग्वेद में सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला देवता कौन था? तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इंद्र देवता की पूजा होती थी, यानी इंद्र देवता सबसे पूजनीय देवता थे। ऋग्वेद में पूजी जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी थी? तो सबसे इंपॉर्टेंट नदी ऋग्वेद में कौन थी? सरस्वती नदी थी, गंगा नहीं थी। गंगा का 3 बार, यमुना का 1 बार उल्लेख मिलता है और सरयू का बार बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गंगा का कितनी बार? 3 बार, यमुना का 1 बार, सरयू का बार बार, और सबसे ज्यादा जो पूजनीय नदी थी वो सरस्वती नदी थी। तो ये कोई भी क्वेश्चन जो है ये ऋग्वेद में बनते हैं। ठीक है, बाकी ऋग्वेदिक व्यवस्था है वो भी पूरी पढ़ाई गई है, उस पर आ रहे हैं कि किसको क्या कहा जाता था, उस समय का जो सिस्टम था उसमें क्या क्या होता था। ठीक है, तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, कितने सूक्त है? 1028। दूसरा है सामवेद। साम का अर्थ होता है गण, साम का अर्थ है सामवेद, सामवेद। वो साम का अर्थ है, साम का अर्थ है गण। क्या है? गण। ठीक है, साम का अर्थ है गण, सामवेद। तो इसका शाब्दिक अर्थ है गान, इसे स्तुति के समय गाया जाता था। कब गाया जाता था? स्तुति के समय, यानी पूजा पाठ के समय इस वेद को गाया जाता था। ठीक है, इसमें 1549 कितनी ऋचाएं हैं? इसमें 1549 क्या है? ऋचाएं। ठीक है, ऋचाएं। इसमें 78 के अतिरिक्त जितनी भी हैं वो ऋग्वेद से ली गई है। 78 को छोड़कर बाकी सभी कहां से ली गई है? ऋग्वेद से ली गई है। ठीक है, इसकी जो मुख्य शाखाएं हैं वो जैमिनी, कौथमी और नारायणी है। ठीक, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको दे रहा है। देन इसके बाद है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद में महर्षि पतंजलि ने लिखा, इसकी 101 ब्रांचेस हैं, 101 शाखाएं हैं। ठीक है, इसमें 4 कृष्ण यजुर्वेद की है और 4 जो है कृष्ण यजुर्वेद की है और 5वीं शुक्र यजुर्वेद की है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, देन है अथर्ववेद, इसे अथर्वा ऋषि ने लिखा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अथर्ववेद पड़ गया। ठीक है, इसमें 20 सूक्त है और 20 सॉरी इसमें अध्यायों की संख्या 20 है और सूक्त है 711। ठीक है, इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र मंत्र, टोना टोटका, वशीकरण, हिप्नोटिज्म जिसको बोलते हैं, इन सबका वर्णन किया गया है। तो जो बिल्कुल मतलब समाज का आईना है कौन सा? अथर्ववेद जो है, इस तरह की सारी चीजें मिलती। अब रामायण की बात कर लेते हैं। तो रामायण जो है उस 7 कांडों में विभाजित है। कितने कांडों में? 7। और रामायण जब लिखी गई थी तो उसमें कितने जो है 7 कांड थे और जब रामायण लिखी गई थी उसमें 8,800 श्लोक थे। रामायण जब लिखी गई उसमें 8,800 श्लोक थे, बाद में इसमें 12,000 श्लोक हो जाते हैं और इस समय इसमें 24,000 श्लोक। और जो हम घरों में रखते हैं वो रामचरितमानस है, जिसका पाठ किया जाता है वो रामचरितमानस का किया जाता है। ठीक है, क्योंकि रामायण संस्कृत भाषा में है, उसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल था, पाठ करना मुश्किल था, इसलिए उसको जो है अवधी भाषा में लिखा गया और रामचरितमानस घरों में रहती है। ठीक है, इसके बाद जो और महाकाव्य है उसमें है महाभारत। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, इस 18 पर्वों में विभाजित, और सबसे जो महत्वपूर्ण पर्व है वो भीष्म पर्व है।
जिसमें श्रीमद् भगवत गीता है, ठीक है, भगवान कृष्ण जो है वो गीता का उपदेश देते हैं अर्जुन, तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें और इसमें क्या था, जब ये लिखी गई इसमें 12,000 श्लोक थे, बाद में इसमें 24,000 श्लोक हो गए, और उपाख्यानों के जुड़ने के बाद इसमें जो है 1,00,000 श्लोक हो गए, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। तो इस तरीके से धर्म ग्रंथों के माध्यम से, ठीक है, पुराणों के माध्यम से वगैरह वगैरह जितनी चीजें दी गई हैं, इन सब के माध्यम से हमें पता चलता है कि किस तरीके से एंशिएंट पीरियड रहा था, कैसे कैसे क्या था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टच दे दें वैदिक कल्चर का भी आपको। वैदिक लोग जो थे वैदिक कल्चर में, वैदिक हमारा जो इस समय हिंदू धर्म है उसी का नाम है वैदिक धर्म। सबसे पहले बता दें हिंदू धर्म जो है एक बड़ा धर्म है, हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, ठीक। दुनिया में हर धर्म की डेट है, मुस्लिम्स की, जैनिज्म की, ठीक है, सिख की, ईसाइयों की, सबकी है, ठीक है, लेकिन हिंदू धर्म चूंकि सबसे पुराना है, मदर रिलीजन है, इसकी कोई डेट नहीं है, जब से ये सृष्टि बनी है तब से हिंदू धर्म चला, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब बात आती है जब सेंट्रल एशिया से भारत में आर्य आए, कहां से आर्य आए, मध्य एशिया से आए, सेंट्रल एशिया से आए, यूरेशिया से आए, कुछ भी कह सकते हैं। तो जब सेंट्रल एशिया से आर्य आए तो ये हिमालय के दर्रों से होकर आए और भारत में आकर जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली उधर का इलाका है, पश्चिमी भारत का इलाका है, वहां पर आकर ये क्या किए, बसे। और वहां पर आकर बसे तो जब आर्य भारत में आए तो ये मैक्सिमम जो थे मेल आए, आर्य भारत में जब आए तो ये मैक्सिमम मेल आए, घोड़ों से आए, ठीक है, घोड़ों पर बैठ के आए और ये यहाँ पर भारत में आकर बसे। तो जब भारत में आकर बसे तो इन्होंने जो है अपने शादी संबंध और रिलेशन जो है वो भारतीय महिलाओं के साथ बनाए। तो इस प्रकार जो है हमारे यहाँ पर इस प्रकार जो है आर्य सभ्यता डेवलप होना शुरू हुई, आगे बढ़ना शुरू हुई। इसीलिए जो है आर्य जो है जो आए थे भारत में ये बहुत स्मार्ट थे, लंबे चौड़े थे, बड़े मस्तक वाले थे, ऊंची नाक वाले थे, देखने में बहुत स्मार्ट होते थे, जबकि हमारे यहाँ के जो पर्सनल लोग थे वो देखने में इतने स्मार्ट नहीं होते थे। तो जब इन्होंने हमारे यहाँ संपर्क बनाए, सेक्सुअल रिलेशन बनाए, महिलाओं ने से शादी की, तो जो नेक्स्ट जनरेशन हुई वो थोड़ी सी ज्यादा एडवांस हुई। इस तरीके से आर्य भारत में आकर बसे। अब आर्यों ने भारत को बहुत कुछ सिखाया, क्या सिखाया, सबसे पहले खेती करना सिखाया, पशुपालन सिखाया। तो ये जो है आर्यों के द्वारा भारत में आने पर इन चीजों को भारतीयों ने सीखा, क्या सीखा, खेती करना सीखा, पशुपालन सीखा, जो खाना बदोश जीवन था वो बंद हो गया। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन को मत आप शामिल करिएगा, वो थोड़ा अलग है, वो सिविलाइजेशन और ये कल्चर दोनों में अंतर है। सिविलाइजेशन सभ्यता बोलते हैं और कल्चर अलग है। कल्चर का मतलब है जहाँ पर कल्चर समझते हैं, जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति का अपना एक कल्चर है, हमारे घर का अपना एक कल्चर है, आपके घर का एक कल्चर है, कल्चर वेरी कर सकता है, बट सिविलाइजेशन एक होता है। जैसे क्लास में टीचर पढ़ाता है और सभी बच्चे बैठ कर पढ़ते हैं, ये सिविलाइजेशन है, ठीक है, सभी बच्चे टीचर की इज्जत करते हैं, ये सिविलाइजेशन है, सभी बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, ये सिविलाइजेशन है। आप अपने घर में आप कोई कुछ पहन रहा है, कोई कुछ पहन रहा है, किसी के घर में कुछ खाने पीने का कल्चर है, किसी घर में कुछ, किसी घर में वेजिटेरियन है, किसी घर में नॉन वेजिटेरियन है, तो ये कल्चर वैर करता है। तो ये एक कल्चर था, जब आर्य भारत में आए एक कल्चर डेवलप हुआ और वो कल्चर अभी तक चला आ रहा है, यानी उस समय से कंटिन्यू हुआ और अभी तक चला रहा है कंटिन्यू, ठीक है। हम जो आपके शेड्यूल आया है उसमें जो क्लासेस है वो है आपका 600 BC, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से। ये मैंने थोड़ा सा बेसिक पीछे पास्ट का बताया, इतना बताना जरूरी था ताकि आप समझ सकें। तो बात आती है 600 BC, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, 600 BC क्या हुआ जरा इसको समझते हैं। यहां से आपका क्लास शुरू हुआ 600 BC, 600 BC, तो वैदिक कल्चर के बाद 600 BC का पीरियड आता है, तो वैदिक कल्चर की सभ्यता 600 BC, वैदिक कल्चर है 1000 BC में ही खोज हुई थी, किसकी, लोहे की खोज 1000 BC में हिट्टी और मितली
जनजाति देखी थी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, जैसे थोड़ा सा पास में आते हैं तो सुधार करते हैं, कुछ चीजें और समझ हिस्ट्री में कितना भी समझा सकता हूं। देखिए जैसे व्यक्ति ने कि जिंदगी में स्पीड कैसे है, भाई व्यक्ति चाक पर जो है मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो चाक पर मिट्टी चाक घुमाई मतलब ऐसे घुमाया जाता है उस पर मिट्टी के बर्तन बनते हैं। एक बार किसी कारण बस चाक ऐसे घूम गया खड़ा होकर, तो जब खड़ा होकर घूम गया तो बहुत तेजी से भागा तो देखा कि वो पहिए के रूप में काम करता, तो जब तक वो चलता है तब तक वो खड़ा रहता है और जैसे वो रुकता है वैसे वो गिर पड़ता है। तो जब दो चाक को आपस में ऐसे जोड़ा गया इस तरीके से और जब उसको घुमाया गया तो पहिया मिल गया। अब पहिया तो मिल गया, ठीक है। अब क्या होता था, व्यक्ति पहिए ऊपर पटरा लगा के उसने ट्रॉली बना ली, तो जो सामान अभी तक ऊपर ला होता था वो उस पे लाद के बड़े आराम से इधर से उधर ले जाता था, यानी अब उसको इजी हो गया किसी भी सामान को दूर दूर तक ले जाना। लेकिन एक समस्या थी कि पहिए ज्यादा वेट की वजह से बार बार टूट जाते थे, लकड़ी के होते थे, ठीक है। तो उसके लिए जब 1000 BC में जो है लोहे की खोज हुई, तो जब लोहे की खोज हुई तो उन्होंने पहिए के ऊपर एक हाल चढ़ाई जाती लोहे की जो पहिए को कॉम्पैक्ट और मजबूत बनाती है, तो उसकी जब खोज हो गई तो और ज्यादा जो है जिंदगी में मूवमेंट आ गया और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट शुरू हो गया। सारा डेवलपमेंट इसके हेडिंग से है, तो इस तरीके से जो है व्यापार भी शुरू हुआ लाइक, तो पहिए की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो 1000 BC में लोहे की खोज हुई थी, हिट्टी और निकल ली जाती थी। अब हम खैर उधर आगे ना बढ़कर अपने 600 BC पे आते हैं। तो 600 BC में क्या हुआ, पहले 600 BC में जैनिज्म और बुद्धिज्म का जन्म हुआ। इसका जैन धर्म जैनिज्म, और बुद्धिज्म बुद्ध धर्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म का उदय, जैन धर्म का उदय किसने किया, महावीर स्वामी, और बुद्ध धर्म का उदय किसने किया, गौतम बुद्ध, ठीक है। इस तरीके से उदय हुआ, क्यों हुआ। अब अपने चैप्टर पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। सर मैं हिंदू हूं, ठीक, अगर मेरे से ये कहा जाए कि आप मुस्लिम धर्म अपनाएंगे, आप सबसे बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप सारे लोग हिंदू हैं या बहुत सारे बच्चे मुस्लिम भी होंगे, तो अगर मुस्लिम लोगों से कहा जाए कि आप मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लीजिए तो क्या आप तैयार हैं, या हिंदू बच्चों से कहा जाए कि आप हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म में आ जाइए तो क्या आप तैयार हैं, अपने आप से इसका जवाब दीजिए। अब मेरी बात सुनिए, मैं हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म में पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ, मैं हिंदू धर्म छोड़ के कोई दूसरा धर्म नहीं अपनाना चाहता, तो जब मैं संतुष्ट हूं तो नहीं अपनाना चाहता। तो जब 1000 BC से लेकर के 600 BC तक, यानी उस समय तो सारे के सारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे, वैदिक कल्चर को मानने वाले लोग थे, वैदिक धर्म को मानने वाले लोग थे, इट मीन सारे क्या थे, हिंदू थे। तो जब सारे हिंदू थे तो उन्होंने जैनिज्म को क्यों अपनाया या बुद्धिज्म को क्यों अपनाया, जैन धर्म क्यों पनपा या बुद्ध धर्म क्यों पनपा, इसकी बात आती तो क्यों ऐसा हुआ। तो सबसे पहले यहां पर शुरुआत करते हैं, क्या जो जैन धर्म और बुद्ध धर्म है इनको ये डेवलप होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था हिंदू धर्म में कर्म कांडों का बोलबाला। यानी जो हमारा हिंदू धर्म था वो उसमें बहुत तरह के कर्मकांड है, आज भी है, जैसे विवाह अपने आप में एक कर्मकांड है, अंतिम संस्कार एक कर्मकांड है, हमारे यहाँ पर 16 संस्कार दिए गए हिंदू धर्म में, तो 16 संस्कारों में जो अंतिम संस्कार है वो हमारे यहाँ क्या है, अंत्येष्टि का कार्यक्रम है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे संस्कार बना रखे हैं। बोले अब क्या होगा, बोले तेरहवीं होगी, अब क्या होगा, बाल कटेंगे, अब क्या होगा, अब ये होगा, अब वो होगा। तो हमारे धर्म में जो है 16 संस्कार जो दिए गए थे उसमें संस्कार व्यक्ति के पैदा होने पहले से हो जाते हैं, यानी जिस दिन माँ गर्भधारण करती है उस दिन से लेकर के व्यक्ति के अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। तो हिंदू धर्म में इतने कर्मकांड थे, जैसे विवाह एक कर्मकांड है। अब विवाह पे हम बात कर लेते हैं,
व्हाट इज मैरिज, मैरिज क्या है, विवाह क्या है। तो अगर इसको साइंटिफिक दृष्टि से देखेंगे तो मैरिज इज ओनली गुड रिलेशनशिप बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल, एक लड़की और लड़के के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी रिलेशनशिप ही तो मैरिज है, कि दोनों एक साथ जुड़कर रहते हैं और आजीवन एक साथ रहते हैं, यही मैरिज है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में एक कर्मकांड है मैरिज, शादी होती है, रात भर जो है लड़के लड़की एक साथ बैठते हैं, पंडित जी तमाम तरह की रस्में कराते हैं, कर्मकांड कराते हैं, और वो कर्मकांड के हर कर्मकांड के बाद उनको एक बहुत बड़ा पैसा, बहुत अच्छी मतलब मनी जो है पंडित जी को देनी पड़ती है, इसके लिए इतनी, इसके लिए इतनी, इसके लिए इतनी। तो बहुत सारा जो है समस्या वाली बात थी कर्मकांडों का जो बोलवाला था। तो अब दिक्कत आई किन लोगों को, जो थे वो मतलब जो हिंदू धर्म था उसमें ब्राह्मणों को दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उस समय जो पूरा पूरा जो उस समय जो है पूरा समाज चार भागों में बटा हुआ, किसमें किसमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार भागों में पूरा समाज बटा हुआ था। तो जब चार भागों में पूरा समाज बटा हुआ था तो कैसे किसमें किसमें, समझिए, नंबर वन, नंबर दो क्षत्रिय, नंबर तीन वैश्य और नंबर चार शूद्र। इसको बहुत गौर से समझिए। अब जो ये कर्म कांड थे ये कौन कराते थे, ब्राह्मण कराया करते थे। ब्राह्मण पथ प्रदर्शक होता है समाज में, जो सबसे इंटेलिजेंट, एक दिव्य पुरुष अवतरित हुआ उसके मुंह से ब्राह्मण का जन्म हुआ, उसके बाजुओं से क्षत्रिय का, जंघाओं से वैश्य का और पैरों से शूद्र का जन्म हुआ। तो इसको समझने की कोशिश करिए, ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना, क्षत्रिय का काम था लोगों की रक्षा करना, वैश्य का काम था ट्रेडिंग व्यापार करना, और शूद्र का काम था, शूद्र दो थे, निर्वासित और अनिर्वासित। तो शूद्रों का काम क्या था कि जितना भी समाज में सर्विस प्रोवाइडर था वो शूद्र थे, जैसे माली फूलों का काम करते थे लेकिन वो शूद्र थे, जुलाहे कपड़े बुनते थे लेकिन वो शूद्र थे, काछी जो है सब्जी पैदा करते थे वो शूद्र थे, किसान जो है बहुत सारा अनाज पैदा करते थे लेकिन वो शूद्र थे, ग्वाले दूध निकालते थे लेकिन वो शूद्र थे, ठीक है। तो ये सारे मतलब जितने भी सर्विस प्रोवाइडर थे वो सभी क्या थे, मल्लाह जो है नाव से सवार कराते थे लेकिन वो शूद्र थे, तो ऑल सर्विस प्रोवाइडर आर शूद्र, वो सभी शूद्र कहलाते थे। तो दिक्कत ब्राह्मणों को नहीं थी क्योंकि वही कर्मकांड कराते थे और उनको एक भारी रकम कर्मकांड कराने के बदले में पैसा मिलता था। सेकेंड थे क्षत्रिय, क्षत्रिय चूंकि पावरफुल थे, राजा थे, उन्हीं समाज के जो है को डिफेंस करते थे, बचाने की कोशिश करते थे हर तरह की जो है, चाहे वो जंगली जानवर हो, चाहे वो विदेशी आक्रमण करता हो या कोई भी हो, तो उनके उनका भी शोषण नहीं था, ना इनका शोषण था, ना इनका शोषण था, शोषण किनका था, वैश्यों को इन कर्मकांडों के बदले में भारी भरकम पैसा देना पड़ता। शूद्रों का तो मंदिरों में जाना वर्जित था और अगर वो कोई कर्मकांड कराते थे तो उनको बहुत ज्यादा लेना पड़ता था, जिसकी वजह से ये उपेक्षित थे, और ये जो उपेक्षित थे इन्होंने अपनी उपेक्षा से परेशान होकर जैसे ही 600 BC में इनको ऑप्शन मिला ये कहीं और शिफ्ट हो सकते थे, तो उनमें से वैश्यों ने मैक्सिमम शिफ्टिंग की, कहां पर जैन धर्म। तो वैश्यों ने मैक्सिमम शिफ्टिंग की जैन धर्म में, और महावीर स्वामी ने जब जैन धर्म को चलाया तो उसमें मैक्सिमम वैश्यों ने जो है जैन धर्म को अपनाया, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात आती है शूद्र जो है अभी भी उपेक्षित थे बहुत सारे, ठीक है, सबसे ज्यादा समाज की उपेक्षित जात जो थी वो शूद्र ही थी, जाति कह सकते हैं, वर्ग कह सकते हैं। तो शूद्रों ने जब बुद्ध धर्म आया, भगवान बुद्ध ने जब बुद्ध धर्म को चलाया तो उन्होंने क्या किया, बुद्ध धर्म की शुरुआत की, तो जो शूद्र थे उनको अपने यहाँ पर शरण दी, तो मैक्सिमम शूद्र जो है बुद्ध धर्म को अपनाता है। इसीलिए आज भी जो है SC ST वर्ग में जो है हाथी का बहुत बड़ा महत्व है, भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा महत्व है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैक्सिमम जो है शूद्र वो कहाँ पर पढ़ाए, कहाँ पर चले गए, बुद्ध धर्म।
तो इस तरीके से जो हिंदू धर्म से ही लोग निकलकर जैनिज्म को अपनाया और हिंदू धर्म से ही लोगों ने निकलकर बुद्धिज्म को अपनाया और बुद्ध धर्म तो एक वक्त ऐसा आया जब सबसे बड़ा धर्म बन गया। मैक्सिमम लोग बुद्ध धर्म को में जो है पलायन कर गए और बुद्ध धर्म सिर्फ भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी बहुत सारे देशों में फैला। हमारे देश के बहुत सारे राजाओं ने बुद्ध धर्म को संरक्षण दिया। इस तरीके से है बुद्ध धर्म पर अपना शुरू हुआ। तो जो जैन धर्म और बुद्ध धर्म इंट्रोड्यूस होते हैं 600 BC में वो कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं ये आपके सामने है पूरी चीज किस तरीके से इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करते हैं आगे समझते जाइए। तो 600 BC में हम लोग पहले करेंगे बुद्धिज्म बुद्ध धर्म 600 BC में बुद्ध धर्म। आप बुद्ध धर्म को समझिए, बुद्ध धर्म के फाउंडर हैं, बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है, जैन धर्म के फाउंडर हैं महावीर स्वामी और बुद्ध धर्म के फाउंडर हैं गौतम। ठीक, तो जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म कहां हुआ था, वृक्ष के नीचे हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म वृक्ष के नीचे क्यों हुआ भाई, जन्म तो हॉस्पिटल में होता है बंद कमरे में होता है, आप में से किसी का जन्म वृक्ष के नीचे नहीं हुआ होगा, तो बुद्ध जी का जन्म वृक्ष के नीचे क्यों हुआ। तो एंशिएंट पीरियड में एक प्रथा प्रचलित थी कि जो लड़की होती थी उसका जो प्रथम प्रसव होता था यानी फर्स्ट बेबी जो होता था वो कहाँ होता था, उसके मायके में होता था। तो जो है बुद्ध की माँ का नाम था महामाया, इनका लालन पालन किया था महाप्रजापति गौतमी ने, तो महाप्रजापति गौतमी इनकी मासी थी ऐसा लिखा मिलता है, समझिए। तो महामाया जो थी जब प्रेग्नेंट थी और उनका अंतिम ड्यूरेशन चल रहा था लास्ट ड्यूरेशन चल रहा था और अचानक उनको जब लेबर पेन शुरू हो जाता है प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है तो उनको एक रथ पे बिठाकर चूंकि वो रानी थी उनको ले जाया जाता है जहाँ उनके पिता के। तो जब अपने वो मायके जा रही होती हैं तो रास्ते में उनका जो है क्या होता है उनकी हालत बिगड़ जाती है और ऐसा लगता है कि नहीं बच्चा जन्म लेगा, तब एक पेड़ के नीचे वृक्ष के नीचे स्टे कराया जाता है जहाँ पर एक वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म होता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म वृक्ष के नीचे इसलिए होता है। ठीक, अब बात आती है इनकी माँ जो है महामाया वो जन्म के कुछ दिनों बाद 8 दिन बाद उनका स्वर्गवास हो जाता है और वो दुनिया में नहीं रहती। अब बुद्ध जी जो है 8 दिन के बच्चे की अगर माँ चली जाए तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन वाली बात है। अब बुद्ध जी को का पालन पोषण उनकी मासी महाप्रजापति गौतमी जो है करती है। बुद्ध जब बड़े होने लगते हैं थोड़े थोड़े जब बड़े होते हैं तो बड़े गुमसुम गुमसुम रहते हैं, एकांतवासी होते हैं, शांत रहना एक जगह बैठे रहना किसी से कोई मतलब ना रखना किसी ख्याल में खोए रहना इसको लेके बड़ा परेशानी वाली बात होती है। तो पहले उनको जो राजा और उनके साथ के लोग होते हैं उनको ये लगता है इसकी माँ नहीं है इसलिए माँ की ये कमी फील करता है। तो अब बच्चे जो है क्या करते हैं खेलते कूदते हैं तो उनके हम उम्र के बच्चों का इंतजाम किया जाता है। कहा जाता है कि जो बुद्ध के हम उम्र के बच्चे हैं उनको जो है बुद्ध के साथ खेलने के लिए राज महल में भेजा जाए। तो बहुत सारे बच्चे आते हैं बहुत सारे खिलौने उन्होंने साथ खेलते हैं लेकिन बुद्ध जी का उसमें कोई मन नहीं लगता, वो एकदम शांत रहते हैं और उसको वो निग्लेक्ट कर देते हैं। यानी ये भी जो है कि ये एक्सपेरिमेंट है वो जो है गड़बड़ हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है उसको समझिएगा। अब ये होगा कि भाई ये तो बेकार हो गया, फिर बुद्ध जी के लिए कुछ और इंतजाम किया जाता है जैसे जब थोड़े बड़े होते हैं कि बुद्ध जी जो है जंगल में जाएंगे और वो वहाँ पर जाकर क्या करेंगे शिकार करेंगे क्योंकि राजे महाराजा के बच्चे जो है शिकारी कार्य किया करते थे। उसमें जब जाते हैं तो बुद्ध जी और विचलित हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर मारे जाते हैं। तो ये भी जो है एक एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। इस तरीके से बहुत चीज़ें की जाती हैं। लाइट ऑफ एशिया की स्टोरी आपने पढ़ी होगी कि बुद्ध जी भ्रमण के लिए निकलते हैं तो एक बुढ़े को देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक डेड बॉडी देखते हैं। तो ये तो आपने पढ़ा होगा, उसको पता नहीं जरूर नहीं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो बुद्ध जी जो है जब और बड़े हो जाते हैं तो ये कहा सोचा जाता है कि भाई जो बच्चा होता है उसका विपरीत सेक्स के प्रति जो है रुझान होता है, एक अटैचमेंट होता है,
तो बुद्ध जी के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाता है, डांस वांस का आयोजन किया जाता है, वहां पर नर्तकियां आती हैं, डांस करती हैं, बुद्ध के हम उम्र के लोग बैठते हैं, सभी इंजॉय करते हैं, लेकिन बुद्ध जी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता। और अंत में जब वो सब थक हार के गिर पड़ती हैं, तब बुद्ध जी उठते हैं, उनको देखते हैं और विचलित हो जाते हैं, उनका मन विचलित हो जाता है। क्योंकि बुद्ध जी किसकी खोज में थे? सत्य की खोज में थे, ज्ञान की खोज में थे, ठीक है, ये है। तो इस तरीके से बुद्ध आगे बढ़ते जाते हैं। बुद्ध की विवाह के लिए हीनयान महायान में अलग अलग स्टोरी मिलती है। एक स्टोरी मिलती है कि बुद्ध जी हाथी पर बैठकर भ्रमण कर रहे हैं नगर का, और सभी लड़कियां जो है उनके ऊपर फूल माले फेंक रही हैं, और एक भारी भरकम माला बुद्ध जी के गले में आकर गिरती है और बुद्ध जी का चिंतन टूट जाता है, और बुद्ध जी उसको बार बार देखते हैं। तो ये माना जाता है बुद्ध जी को वो बहुत लड़की पसंद आई और बुद्ध जी से उसकी विवाह कर दिया जाता है, ठीक है। बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? यशोधरा से हुआ, ठीक है। इसकी दूसरी एक और मिलती है स्टोरी, उसमें मिलता है कि बुद्ध जी के लिए बाकायदे एक कार्यक्रम कराया जाता है जिसमें सभी राजकुमारियां आती हैं और सामने से आती हैं बुद्ध के पास तक। तो बुद्ध से कहा जाता है कि सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है, लेकिन जो सबसे ज्यादा अच्छी लगे, आपको पसंद आए, उसको ये गिफ्ट देना है। तो बुद्ध जी सबको बराबर गिफ्ट देते हैं, और अंत में एक महिला आकर जब उनके सामने खड़ी होती है राजकुमारी, तो उसको देने के लिए बुद्ध के पास कुछ नहीं होता। तो बुद्ध जी उठ के खड़े हो जाते हैं और अपनी जो है एक माला निकाल कर उसको गिफ्ट करते हैं। माना जाता है कि बुद्ध को बहुत पसंद आई और बुद्ध की उसके साथ जो है विवाह कर दिया जाता है। इस तरीके से जो है स्टोरीज मिलती है। तो बुद्धिज्म जो है, बुद्ध धर्म में इनको धीरे धीरे आगे बढ़ता है मामला। तो बुद्ध धर्म में अलग अलग पड़ाव से होते हुए बुद्ध जी गुजरते हैं। तो बुद्ध जी अपने अंतिम समय में कहाँ पहुँचते हैं? तो ये बनारस पहुँचते हैं, और बनारस में एक बनारस के सेठ का एक बेटा होता है जिसका नाम है यश, जो इनका पहला शिष्य बनता है। ये जब गंगा तट पर बैठे होते हैं रात में, तपस्या कर रहे होते हैं, उस समय वो खेलता हुआ आ जाता है। तो बुद्ध जी को लगता है कि रात में एक छोटा सा बालक आया हुआ है, तो कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो ये उसको उठाकर अपने पास बिठा लेते हैं और रात भर उसको अपने पास बिठाते हैं, खाने पीने की चीजें देते हैं। सवेरे जब उसको ढूंढते ढूंढते लोग आते हैं तो पता चलता है कि वो एक तपस्वी के हाथ में है। तो उसके माता पिता इनका बहुत थैंक्स करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं और इनको बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। और इसके बाद जो है, जब उससे कहा जाता है तुम चलो वापस, तो वो जाने से मना कर देता है। बच्चा कहता नहीं, मैं धोनी के साथ रहूँगा, और तमाम तरह के उपदेश देता है, जिससे वो नाराज हो जाता है उसके माँ बाप, और बुद्ध जी को बहुत ज़्यादा डांट फटकार देते हैं। तब बुद्ध जी ये पहली बार ये सोचते हैं कि मैं कभी भी कोई भी उपदेश या कोई भी ज्ञान जो है वो 14 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति को नहीं दूंगा, ठीक है, यानी किसी भी तरह का कोई ज्ञान 14 साल से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं दूंगा। तो बुद्ध जी का एकमात्र सबसे छोटा शिष्य कौन होता है? उसका नाम है यश, ये बनारस के सेठ का बेटा होता है। इसके बाद वहां से तपस्या शुरू होती है। बराबर गुरु जो बुद्ध है वो बरसात के दिनों को छोड़कर बाकी समय में बराबर भ्रमण करते रहते हैं और तपस्या करते रहते हैं। तपस्या जो जब ये करते हैं तो इनको जो ज्ञान है वो अलग अलग चरणों में प्राप्त होता है, ठीक है, इनको अलग अलग चरणों में। पहला ज्ञान जो है इनको मिलता है वो ये जब तपस्या कर रहे होते हैं, यानी अपने महल से विवाह के बाद अपने महल को जब छोड़ते हैं, तो अपने महल को जब छोड़ते हैं तो अपने सारथी से कहते हैं चन्ना से कि आप हमको जो है जंगल में छोड़ आओ, मेरे घोड़े को गधे को लेके आओ और हमको जो है हमारी राज्य की सीमाओं के बाहर छोड़ो। ये जब कहते हैं तो वो इनको इनकी राज्य की सीमाओं के बाहर जब छोड़ता है, तो अग्निमान वाली स्टोरी आपने सुनी होगी। देन उसके बाद जो है ये वहां से तपस्या करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये पहुंचते हैं उर्वेला। उर्वेला जो है वो एक व्रात है, व्रात में एक ही तरह के काम करने वाले लोग। तो उर्वेला एक व्रात है, वहां सैनिक मुखिया की जो बेटी होती है सुजाता, वो इनका बहुत ध्यान रखती है, इनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था करती है। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता है, बाद में उस व्रात के लोगों को बुद्ध और सुजाता के करेक्टर के ऊपर शक होने लगता है। उन्हें लगता है कि नहीं, ये पाखंडी है और ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, जिससे जो है वो सारे लोग, उस व्रात के लोग बुद्ध से बुरा भला कहते हैं। और बुद्ध जो है उर्वेला जब छोड़ के वहां से चलते हैं तो उनको जब सुजाता रोकती है
कि आप जो है हमारे आपके बीच में क्या है, तो हम आप जानते हैं ना, तो आप इन बात इनका बुरा मत माने और आप यहीं पर रुकें। तो जब कोई ये कहती है तो बुद्ध कहते हैं नहीं, मैंने ये वादा किया है कि मैं छोड़ के जाऊंगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो अंत में जो वो भोजन लाई होती है वो कहती है अच्छा आखिरी बार आप मेरे द्वारा बनाया हुआ ये भोजन ग्रहण करते हैं। तो जब वो भोजन ग्रहण करते हैं आखिरी बार, तब वो एक ज्ञान जो उनको वहां प्राप्त होता है चेतना का ज्ञान। इसका ज्ञान चेतना बुद्ध को मिलने वाला पहला ज्ञान। चेतना का ज्ञान जो है ये देते हैं किसको? सुजाता। भगवान बुद्ध पहला ज्ञान देते हैं सुजाता। तब सुजाता जो है सुजाता ये उस ज्ञान को लेने के बाद पहली बार सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध कहते हैं। तो अगर पूछा जाए भगवान सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध नाम किसने दिया? सुजाता ने दिया। किस ज्ञान को ग्रहण करने के बाद दिया? चेतना का ज्ञान दिया। भगवान बुद्ध को पहला ज्ञान कौन सा प्राप्त हुआ? चेतना का ज्ञान। इनके दो गुरु थे अलार आलम और रामपुत्र उद्रक, उनसे इनको जो है संज्ञा असंज्ञा का ज्ञान मिला, आपको पता होगा। तो इस तरीके से अलग अलग चरणों में ज्ञान प्राप्त होता है। एक बात यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं? समझ लो बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो भाई ये ऐसी क्या चीज है जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इसको समझने की कोशिश करें। सर ज्ञान, ज्ञान जब आप बहुत पढ़े लिखे होते हैं तो ज्ञानी कहलाते हैं। तो ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ इसको समझिए, ज्ञान क्या था। जैसे मान लीजिए आप सभी बच्चे हमको देख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ये भी ज्ञान दे रहे हैं। अब जब समझिए कि जैसे जिस व्यक्ति के पास उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति डेवलप हो जाए, जो अपना भला बुरा समझने लगे, जो ये समझने लगे क्या उसके हित में है क्या उसके अहित में है, क्या उसे करना चाहिए क्या उसे नहीं करना चाहिए, तो समझ लीजिए उसको क्या प्राप्त हो गया। क्या भाई आप समझिए, सारे स्टूडेंट्स अपने अंदर झांक के देखो, हर किसी को मालूम है कि बहुत सारी पढ़ाई करके हम बहुत सफल हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम 7-8-10 घंटे ढंग से मेहनत कर लें, बहुत अपनी आदतों को सुधार के माँ बाप की इज्जत करते हुए समाज के साथ रहते हुए समाज के लिए परोपकार करते हुए अगर हम खूब मेहनत करेंगे तो हम कुछ भी बन सकते हैं। क्यों नहीं लोग कर लेते? क्यों लोग चोरी कर रहे हैं? क्यों बदमाशी कर रहे हैं? क्यों लोग मर्डर कर रहे हैं? क्यों लोग रेप कर रहे हैं? समाज में वो लोग भी तो हैं। तो इसलिए जो बहुत अच्छे लोग हैं जिनको सही समय पे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही लोग आईएएस ऑफिसर्स बन जाते हैं, ऐसे ही लोग बड़े-बड़े ऑफिसर्स बनते हैं। नहीं प्राप्त हो पाता है तो जब समय निकल जाता है तब उनको पता चलता है कि हमारा वो समय निकल गया, मैंने बड़ी गलती कर दी। तो यही ज्ञान है। तो भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान को उन्होंने कई चरणों में प्राप्त किया और फिर सब लोगों को दिया। ठीक है, भगवान बुद्ध जो है वो क्या था कि ज्ञान जो है वो फीमेल को नहीं देते थे, ओनली मेल्स को। उनका बेटा था भगवान बुद्ध का राहुल, तो भगवान बुद्ध का जो बेटा था राहुल उसको वो जब उनसे मिलने आया तो उसने भी है बुद्ध धर्म को ग्रहण किया। उनके जो भाई थे नंद और आनंद, चचेरे भाई और सौतेले भाई, उन्होंने बुद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद अपने कहा कि आप हमारे पास आइए, कपिल वस्तु आइए और वहाँ पर सबको जो है इस ज्ञान की गंगा में नहलाइए। उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ और मैं अपने अंतिम समय से पहले वहाँ जरूर आऊँगा। तो ये जब वहाँ पहुँचते हैं तो इनकी माँ और इनकी पत्नी बुद्ध धर्म ग्रहण करने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि नहीं, किसी स्त्री को हम बुद्ध धर्म ग्रहण नहीं करा सकते। तो माँ इनको थोड़ा इमोशनल ट्रीटमेंट देती हैं और इसके बाद मजबूरी में भगवान बुद्ध को अपनी माँ को बुद्ध धर्म ग्रहण कराना पड़ता है। तो जब माँ को बुद्ध धर्म ग्रहण कराते हैं फिर इनकी पत्नी भी कहती है कि भाई हमको भी बुद्ध धर्म ग्रहण करें, अगर स्त्री वो है तो स्त्री हम भी हैं, तो अपनी पत्नी को बुद्ध धर्म ग्रहण कराते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुद्ध धर्म में पहली भिक्षुणी कौन थी? इनकी माता महाप्रजापत गौतमी, और दूसरी कौन थी? इनकी पत्नी। ये दोनों जो है बुद्ध धर्म ग्रहण करती हैं। इसके बाद बुद्ध जी बहुत आहत हो जाते हैं
और वो कहते हैं कि आज से हमारे बुद्ध धर्म की उम्र आधी रहेगी। हमारा बुद्ध धर्म जितना समय तक चलने वाला होगा उसका अब आधा ही चलेगा, क्योंकि आज से हमारे बुद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश क्या हो गया, शुरू हो गया। ये तो इस तरीके से एक वक्तव्य मिलता है। बुद्ध जी अपने जो है ज्ञान जो इन्होंने चरणों में प्राप्त किया था, बाद में वो अपने भिक्षुक और भिक्षुणी यानी जो बुद्ध धर्म अपनाते हैं उन भिक्षुक और भिक्षुणियों को देते हैं। इस तरीके से बुद्ध धर्म में सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों का वेलकम होता है, सभी जाति धर्म वर्ग के लोग जो है बुद्ध धर्म को अपनाते हैं। बुद्ध धर्म को सबसे ज्यादा कौन अपनाता है, वो अपनाने वाले लोग जो हैं वो हैं आपका वैश्य और सबसे ज्यादा जो है शूद्र वर्ग ही सबसे ज्यादा बुद्ध धर्म को ग्रहण करता है, क्योंकि समाज का सबसे ज्यादा उपेक्षित वर्ग जो है वो शूद्र। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बुद्ध धर्म और जैन धर्म आप एक साथ आपको दिखाते हैं। अच्छा, बुद्ध धर्म पहले आया है जैन धर्म पहले आया? तो सबसे पहले जैनिज्म है, फिर है बुद्धिज्म, ठीक है, और हिंदू धर्म सबसे पुराना। तो अगर धर्म को बोला जाए तो सबसे पहले क्या है, हिंदू धर्म, फिर जैनिज्म, फिर बुद्धिज्म, देन उसके बाद दूसरे 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 धर्म, ठीक है। तो हम उसी क्रम में आपको थोड़ा कुछ चीजें और बताना चाहते हैं। इस क्रम में तो सबसे पहले जो है ब्राह्मण धर्म एवं शैव। तो पॉइंट्स अगर आप चाहे तो आप लोग पेन उठा लीजिए और नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स को हम बोलेंगे तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। नंबर वन पर ब्राह्मण, नंबर एक पर कौन सा धर्म है, ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म सात धर्म, देवी धर्म, सनातन धर्म, शैव धर्म, ये सारे नाम एक ही हैं, जिस नाम से बुला लीजिए, ठीक है। अलग अलग लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है, ठीक। आया हुआ क्वेश्चन है, समझते जाइए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख कहां मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। किस धर्म से संबंधित है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, ठीक है, सनातन धर्म से संबंधित है, ठीक। जो रामायण थी यानी आदि रामायण, उसका नाम क्या था, तो आदि रामायण का नाम भुसुंडी था। आदि रामायण का नाम था भुसुंडी। इसमें 8,800 श्लोक थे, इसका नाम था भुसुंडी, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये आए हुए क्वेश्चन। अच्छा, जो कृष्ण थे वो किस कबीले से संबंधित थे, आए हुआ क्वेश्चन। भगवान कृष्ण जो थे वो वृष्ण कबीले से संबंधित थे, किससे, वृष्ण, आप चाहे तो वृष्णी कबीले, भगवान कृष्ण वृष्णी कबीले से संबंधित थे, किससे संबंधित थे, वृष्ण कबीले से संबंधित थे। जो भी क्वेश्चन पूछे जाए पूछे गए हैं वो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन आएगा भगवान कृष्ण किससे संबंधित थे, कृष्ण कबीले से संबंधित थे, ठीक है। अच्छा, हमारे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की बात की है, इसीलिए ये 10 अवतार। तो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, भगवान विष्णु के, वो कहाँ मिलते हैं, तो भगवान विष्णु के 10 अवतार जो है सबसे पहले मत्स्य पुराण में, तो मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु की 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। इसमें वराह अवतार, सुवर का अवतार जो है वो भगवान विष्णु का जो है वो तीसरा अवतार है, यानी भगवान विष्णु के तीसरे अवतार को जो है वराह अवतार कहा जाता है, जब वो पृथ्वी को बचाते हैं, ठीक है। तो 10 अवतारों का वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक। अच्छा, अलवार और नयनार, ये दो लोग मिलते हैं हिंदू धर्म में,
अलवार और नैना, अलवार और नैना ये क्या है? अलवार और नैना इसको समझिए, अलवार संत कौन है और नैना संत कौन है? ठीक है, तो श्रीमद भगवद गीता में अलवार संतों का वर्णन किया गया है। श्रीमद भगवद गीता में अलवार संतों का वर्णन किया गया है। तो अलवार और नैना कौन है? अलवार वो है जो इसके उपासक है, जो भगवान विष्णु के उपासक है, और नैना वो है जो किसके उपासक है? जो शिव के उपासक है। तो अलवार भगवान विष्णु के और नैना भगवान शिव के उपासक है, इसको ध्यान रखें। ठीक है, और एकमात्र महिला अलवार महिला, उसका नाम लिखता है, आया हुआ क्वेश्चन है, अंडाल। एकमात्र अलवार महिला है जिसका नाम है अंडाल। अंडाल महिला ने जो है एकमात्र अलवार संत महिला है जिसने जो है क्या किया था, जिसने तमिल प्रदेशों में क्या किया था, जाकर वहां पर धर्म को फैलाया था। यानी तमिल प्रदेश की एकमात्र अलवार संत महिला जो थी उसका नाम था अंडाल। ये आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन बनते हैं, भागवत संप्रदाय का उदय किस जाति से हुआ? तो भागवत संप्रदाय का जो उदय है वो सातवत जाति से, भागवत संप्रदाय का उदय सातवत, भागवत संप्रदाय का उदय सातवत जाति से होता है। भागवत संप्रदाय का उदय सातवत जाति से होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, विशिष्टाद्वैत कुछ दर्शन है, जैसे कोई भी दर्शन मान लीजिए, एक दर्शन बताते हैं, दर्शन जैसे भगवान सृष्टि और इंसान के बीच में सामंजस्य स्थापित किया गया है दर्शनों के माध्यम से। तो जो दर्शन है बहुत सारे हैं, जैसे विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। शुद्धाद्वैत दर्शन के संस्थापक बल्लभाचार्य थे, शुद्धाद्वैत बल्लभाचार्य। द्वैताद्वैत दर्शन के संस्थापक निम्बार्काचार्य थे, द्वैत दर्शन के संस्थापक आनंद तीर्थ थे। अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा, फिर से समझिए, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैत बल्लभाचार्य, द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य और द्वैत दर्शन के संस्थापक आनंद तीर्थ। अब ये चार दर्शन दे दिए गए होंगे और जो इनके संस्थापक थे वो दे दिए गए होंगे, कहा जाएगा मैच द फॉलोइंग, यानी किसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, ब्राह्मण धर्म में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था, जो हमने जहां से शुरुआत की थी, ब्राह्मण धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था यज्ञ और अनुष्ठान। यानी ब्राह्मण धर्म में सबसे महत्वपूर्ण पाठ थी यज्ञ और अनुष्ठान। इसीलिए देखिए हमारे यहाँ पर जितने भी कर्मकांड होते हैं उनमें लगभग सभी में यज्ञ होता है, यानी सभी में यज्ञ किए जाते हैं। ठीक है, विवाह में भी यज्ञ होता है, उसी अग्नि के फेरे लिए जाते हैं। ठीक है, तो यज्ञ और अनुष्ठान जो है वो ब्राह्मण धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। अच्छा, ठीक, अब बात आती है मूर्ति पूजा की। तो ब्राह्मण धर्म में भागवत संप्रदाय के साथ ही मूर्ति पूजा शुरू होती है, इस पर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट। ब्राह्मण धर्म में भागवत संप्रदाय के साथ मूर्ति पूजा शुरू होती है। तो जो भागवत संप्रदाय है और मूर्ति पूजा है वो उसका क्या सामंजस्य है? देखिए, सबसे पहली चीज, भगवान को किसी ने नहीं देखा। ठीक, तो ये भी एक दर्शन उसको समझ लीजिए। जो हमारी जो सृष्टि है इसमें सूर्य है, चंद्रमा है, जो दूसरे ग्रह है जैसे मंगल है, बृहस्पति है, वीनस है, शुक्र है, वीनस, तो ये जो ग्रह है नौ ग्रह, तो इन्हीं ग्रहों के जो इंडिकेटर्स हैं, जो उनको जो है देवताओं का रूप दे दिया गया। ठीक, इन्हीं ग्रहों के इंडिकेटर्स को देवताओं का रूप दे दिया गया। ठीक, और यही चीज परिलक्षित होती है, यानी उनको जो है साकार रूप दिया गया, भगवान का रूप दिया गया, ताकि जब हम उनकी पूजा करें तो उनसे साक्षात हो सकें। क्योंकि जब कोई चीज हमारे सामने होती है तो उसके साथ कंसंट्रेशन बनता है। जैसे
हम क्लास में यहाँ पर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन बन रहा है। लेकिन अगर सिर्फ आपको वॉइस सुनाई जाए और क्लास में कोई प्रेजेंट ना हो तो शायद उतना कंसंट्रेशन नहीं बने। इसी कंसेप्ट के तहत जो है हमारे यहाँ पर मूर्ति पूजा का प्रारंभ होता है, यानी जितने देवी देवता जो ग्रह थे उनके जो इंडिकेटर्स देवी देवता थे उनको सबको जो है साकार रूप दिया गया कि भगवान शिव का ऐसा रूप होगा, भगवान कृष्ण का ऐसा होगा, भगवान राम का ऐसा होगा, और हर देवी देवता के पीछे बहुत सारी चीजों को जोड़ दिया गया ताकि आप हर देवी देवता से कुछ ना कुछ चीजें सीख सकते हैं। तो जो हमारे धर्म में मूर्ति पूजा शुरू होती है वो भागवत संप्रदाय के उदय के साथ शुरू होती है। ठीक है, नेक्स्ट है शिव पूजा का सबसे पहला उदाहरण हड़प्पा पीरियड में मिलता है। क्वेश्चन पूछा सबसे पुराने देवी देवता कौन, तो सबसे पुराना पुराने देवी साप्त देवी, इनकी पूजा का उल्लेख भी हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलता है। ठीक है, और सबसे पुराने देवता शिव, भगवान भोलेनाथ शिव हड़प्पा काल में पशुपतिनाथ के रूप में पूजे जाते थे। पशुपतिनाथ का एकमात्र मंदिर जो है पूरी दुनिया में वो काठमांडू नेपाल में स्थित है, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, वहां पर स्थित है। तो सबसे पुराना जो पूजा का प्रमाण है वो पशुपतिनाथ के रूप में मिलता है और हड़प्पा पीरियड में इनकी पूजा होती थी। पशुपतिनाथ, पशु मतलब आत्मा, पशुपतिनाथ में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है भगवान शिव की एक पूजा और होती है, लिंग के रूप में की जाती है, ज्योतिर्लिंग के रूप में, लिंग के रूप में। तो भगवान भोलेनाथ जो है उनका लिंग पूजा का उदाहरण सबसे पहले कहां से मिलता है, तो लिंग पूजा का सबसे पहला उल्लेख मत्स्य पुराण से मिलता है। लिंग पूजा, लिंग पूजा का कंसेप्ट है शिवलिंग। शिवलिंग हमारे भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो अलग अलग ज्योतिर्लिंग अलग अलग कंसेप्ट बताते हैं कि किसकी पूजा करने से क्या होता है। ठीक है, जैसे हम महाकाल की पूजा करते हैं तो हम अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, हम अगर त्रिभुवेश्वर की पूजा करते हैं तो हमारी कुंडली में जो काल सर्प दोष होता है वो दूर हो जाता है, हम काशी विश्वनाथ की पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं तो वहाँ हमको धन दान वैभव मिलता है। इस तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तभी कहा जाता है कि ये परमात्मा है भगवान भोलेनाथ अपने 12 ज्योतिर्लिंग की हम पर कृपा करें। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बनाए गए। अब ज्योतिर्लिंग क्या है, तो आपने देखा होगा भगवान भोलेनाथ का एक शिवलिंग बनाया जाता है ऐसे। ठीक है, ऐसे वो गोल सा बना होता है। तो जो भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग है उस पर ना तो प्रसाद चढ़ाया जाता है और ना उसका चढ़ा हुआ प्रसाद खाया जाता है, क्योंकि जो ज्योतिर्लिंग है ये भगवान शिव का लिंग और माता पार्वती की योनि का एक सम्मिलित तदात्म बनाया गया है। ठीक है, तो ये माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ को सेक्सुअल रिलेशन में दिखाया गया है, ये सिंबल ऑफ फर्टिलाइजेशन है, समृद्धि का प्रतीक है। तो ये है ज्योतिर्लिंग, इसका सबसे पहला उदाहरण ज्योतिर्लिंग की पूजा करने का सबसे पहला उदाहरण कहाँ से मिलता है, ये सबसे पहला उदाहरण मिलता है मत्स्य। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे मंदिर बनाए गए, आज भगवान भोलेनाथ के ज्यादातर मंदिर में आपको जो है वो शिवलिंग मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। त्रिमूर्ति आपने जानते होंगे, त्रिदेव और त्रिमूर्ति। तो त्रिमूर्ति पूजा जो है सबसे पहले कहां से शुरू होती है, गुप्त काल से। त्रिमूर्ति पूजा गुप्त काल से शुरू होती है और वहीं से त्रिमूर्ति देवता मिलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश आप सब जानते हैं, ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार, विष्णु पालनहार और महेश संहार करता। तो ये त्रिमूर्ति देवता है जिनका जो है सबसे पहले पूजा शुरू होती है गुप्त काल से। ठीक है, अब जैसे गुप्त काल से बहुत सारे मंदिर भी हैं, जैसे भूमरा का शिव मंदिर गुप्त काल से है का है, नचना कुठा का पार्वती मंदिर ये भी गुप्त काल का है। ठीक है, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर भी जो है ये राष्ट्रगुप्तों ने निर्माण कराया था। ठीक है, तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर है। ठीक है, ये सब जो है आपके पुराने पीरियड के हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब इसी में थोड़ा सा हम लोग आते हैं शैव धर्म में। तो शैव धर्म के कुछ पार्ट भी मिलते हैं, उसको समझने की कोशिश करिएगा, कुछ हिस्से भी। मंदिर का भी कंसेप्ट बता देते हैं, मंदिर निर्माण जो है वो गुप्त
काल से शुरू होता है। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि सड़क निर्माण कब से होता है, तो सड़क निर्माण नंदों के समय से शुरू होता है। ठीक है, पढ़ना लिखना जो है वो आपका जो है और बाद में होता है, मौर्य पीरियड से शुरू होता है, और जो मंदिर निर्माण है वो गुप्त काल से शुरू होता है। तो मंदिर को थोड़ा सा मार्क बता देते हैं, मंदिर में क्या है, मंदिर कैसे बनते हैं। जैसे एक ये आपका मैं मंदिर बना, ठीक, अभी सुन लो, ये क्या है मंदिर के ऊपर ध्वज, ये ध्वज, ये क्या है शिखर, यहां पर देवी देवता होंगे, ये है गर्भगृह, गर्भगृह, ये है जगती, जगती, ठीक। इस जहां पर लोग चारों तरफ चक्कर लगाते मंदिर में उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पर, प्रदक्षिणा पर, ठीक है। और यहां पर जहां आम लोग खड़े होते हैं उसको बोलते हैं विमान, और ठीक। अब इसको समझिए जरा से, चुप समझने वाली चीज है। जैसे मंदिर का निर्माण, मंदिर तीन प्रकार के हैं, बेसिकली तीन टाइप के हैं, बेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली। मंदिर तीन प्रकार के हैं, बेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली। अब जो मंदिर है उसमें सबसे ऊपर एक ध्वज लगा होता है, उसको बोलते हैं ध्वज, और मंदिर के ऊपर इस तरह से एक कोण बना होता है, इसको बोलते हैं शिखर। इसको क्या बोलते हैं, शिखर। शिखर के जस्ट नीचे जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जस्ट नीचे होता है गर्भगृह, जहां भगवान की स्थापना होती है, परमपिता परमेश्वर की स्थापना होती है, जगत विधाता की स्थापना होती है। तो वो हो गया आपका गर्भगृह, जहां पर मेन पुजारी खड़े होकर पूजा करता है। जैसे ये भगवान है और मेन पुजारी यहां पर खड़े होकर पूजा करता है, तो उसको बोलते हैं मंडल। जहां मेन पुजारी खड़ा होता है उसको बोलते हैं मंडल, और मंडल, और जहां आम भक्तगण सामने खड़े होते हैं उसको बोलते हैं विमान। जहां आम भक्तगण होते हैं मंदिर के चारों तरफ, जहां पर लोग उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं, उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। और कोई भी मंदिर हमेशा किस पर बना होता है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाता है उसको बोलते हैं जगती। आप देखिए कोई भी मंदिर अपने मन में कल्पना करिए, वो पहले जगती बनाई जाएगी, उसके ऊपर मंदिर बनाया जाएगा। तो मंदिर हमेशा जगती के ऊपर बनाया जाता है, उसको जगती, जिसको जिसके ऊपर कौन बैठता है, जगत विधाता बैठता है। अब इसमें बात आती है कि द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली क्या है। तो सबसे पहले आ जाते हैं द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण भारत में पाए जाने वाले मंदिर है। इनमें जो जगती होती है वो बहुत ऊंची होती है, मतलब 108 सीढ़ी चढ़ के जाना है, 1008 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना है, तो इस तरह की प्राकृतिक जगती होती है और ये बहुत ऊंची होती है। तो ये सारे मंदिर चोटी पर जो है, किसी पहाड़ की चोटी पर मंदिर बनाया गया है, तो पहाड़ जो है उसके लिए क्या हो गई, जगती हो गई। तो इस तरह के जो है जो मंदिर है वो कैसे है, द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं। इन्हीं एक और, इनकी एक और खूबी होती है, इन मंदिरों के जो द्वार होते हैं वहाँ पर गोपुरम बनाया जाता है, मतलब गोपुरम द्वार बनाया जाता है, द्वार पर छोटे छोटे ऊपर मंदिर होते हैं, उसको बोलते हैं गोपुरम, ठीक है। आगे जो है नागर शैली के मंदिर, जो नागर शैली के जो मंदिर हैं वो आपके पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, और जो बेसर शैली के मंदिर हैं वो इनके मिक्स होते हैं, यानी द्रविड़ शैली और नागर शैली के मिक्सिंग जो होती है वो आपके जो है, आपके जो है द्रविड़ शैली और नागर शैली की मिक्सिंग जो होती है वो बेसर शैली के मंदिर होते हैं। इस तरीके से जो मंदिर हुए, और मंदिरों में पूछा जा सकता है भाई गर्भगृह कहाँ स्थापित होता है, जहाँ पर मेन पुजारी खड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, मंदिरों का निर्माण जो है वो गुप्त काल से शुरू होता है, गुप्त पीरियड से शुरू होता है। भगवान जो गुप्त राजा है सारे गुप्ता पीरियड के, वो सारे के सारे परम भागवत की उपाधि धारण करते हैं,
और वो सब भगवान विष्णु के उपासक होते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं। एक आपने और देखा होगा अर्धनारीश्वर, एक शब्द सुना होगा जिसमें भगवान शिव मां पार्वती को आधा का दिखाया गया। तो अर्धनारीश्वर की जो पूजा है वो माता पार्वती और भगवान शिव के परस्पर तदात्म्य से आधारित है, और ये पूजा भी गुप्त काल से ही शुरू होती है। इसका सबसे पहला निर्माण जो है गुप्त काल में मिलता है अर्धनारीश्वर, ठीक है। अच्छा, एक पुराण है उसका नाम है वामन पुराण। क्या नाम है? वामन पुराण। वामन पुराण जो है, वामन पुराण में भगवान शिव जो है उनके चार जो है मेन क्या बोलते हैं चार सैव संप्रदाय। वामन पुराण में भगवान शिव के चार सैव संप्रदायों का वर्णन किया है। अब इनको बड़े गौर से देखिए, जैसे भगवान शिव की पूजा बहुत तरीके से होती है, शिव के बहुत सारे रूप पूजे जाते हैं, ठीक, जिनमें आपका सैव है, पाशुपत है, कापालिक है और काला है, जो वामन पुराण में मिलते हैं। तो सैव की पूजा, भगवान शिव की पूजा आप जानते हैं, नॉर्मल मंदिर बने होते हैं जिसमें माता पार्वती और भगवान शिव एक साथ दिखाए गए हैं और उनकी पूजा हो रही है, तो ये सैव संप्रदाय है जहाँ पर बेलपत्र, जल, दूध और जो है मिठाई से जो है भगवान की पूजा की जाती है, उन पूजा अर्चना की जाती है मंदिरों के अंदर, ठीक है। पाशुपत संप्रदाय सबसे पुराना है और पाशुपत संप्रदाय में भगवान शिव की पूजा कुछ विशेष प्रक्रियाओं के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब आता है कापालिक, भयंकर है, ठीक है, कापालिक अत्यंत भयंकर है और असुर प्रवृत्ति का है, तो इसकी पूजा करने वाले लोग थोड़े अलग तरीके के होते हैं। ये भैरव को भगवान भैरव मतलब शिव की पूजा भैरव के रूप में करते हैं और उनको सुरा मदिरा पान ये सब कराते हैं, यानी उनके ऊपर शराब चढ़ाते हैं और मदिरा पान कराते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा जो है पूजा पाठ करने का तरीका इसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक है। कुल मिलाकर इसमें जो है भैरव की जो पूजा की जाती है वो मदिरा पान, मीट, मांस, मछली इनके द्वारा जो है भगवान की पूजा की जाती है। आगे है कालामुख। कालामुख संप्रदाय भी कापालिक संप्रदाय की तरह ही है, कापालिक संप्रदाय से मिलता जुलता है। इसमें नरकपाल में भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब हड्डियों की माला पहनते हैं और पैंडल के रूप में इंसान का जो है नरकपाल होता है, सिर होता है, उसी में खाते पीते हैं, उसी में मदिरा पान करते हैं और शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं, यानी जो भी शरीर रात ठंडी होगी, पहली चिता ठंडी होगी उसकी रात पर शरीर पर मलते हैं, तो चिता की भस्म मलते हैं। तो इस तरीके से भगवान जो है शिव की पूजा की जाती है। अच्छा, माता काली और माँ दुर्गा का नाम सबने सुना होगा, तो उनकी पूजा भी वेस्ट बंगाल में कई तरीके से की जाती है। वेस्ट बंगाल में माँ की पूजा भी जो है दुर्गा के नौ रूपों की उपासना की जाती है, इसमें माँ की पूजा जो है कई तरीकों से की जाती है, ठीक, ये ध्यान रखिए। तो अगर पूछा जाए किसके नौ रूपों की उपासना की जाती है, माँ दुर्गा के नौ रूपों की उपासना की जाती है। तो ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, देवी धर्म, सनातन धर्म, ये सारे धर्म एक हैं। तो इनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं, मंदिर निर्माण कब से स्टार्ट हुआ, किस देवी देवता की पूजा कहाँ से की, भगवान शिव को सबसे पहले कहाँ पूजा गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूजा गया, किस रूप में पूजा गया, पशुपतनाथ के रूप में पूजा गया, माँ की पूजा सबसे पहले कहाँ होती है, शाक्त देवी के रूप में होती है, कब होगी, कब कहाँ पूजा गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूजा गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी फीमेल की प्रतिमाएं मिली हैं जो खंडित मिली हैं और जो नग्न मिली हैं, नेकेड मिली हैं। तो वो खंडित मिली हैं और नग्न मिली हैं, उसके पीछे क्या कारण है, तो उसके पीछे कारण है उस समय के लोग जो थे वो योनि और लिंग की पूजा करते थे, मतलब वही कंसेप्ट है जो जो शिवलिंग कंसेप्ट है उसकी पूजा करते थे, उसको सिंबल ऑफ फर्टिलाइजेशन मानते थे, इसलिए वहाँ पर जो है मूर्तियाँ नग्न रूप में मिली, ठीक है, तो वहाँ पर देवी की पूजा होती है। इसके बाद पूछा जाएगा भगवान कृष्ण की पूजा सबसे पहले कहाँ प्रमाण मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, ठीक है, देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है, नयनार मौन के
ठीक ही पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन इस तरह का जो पूछा जाएगा, अलवार संत कौन थे, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। अलवार संतों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, भगवद गीता में मिलता है, ठीक है। तो ये है, आगे हम लोग सेकंड शुरू करते हैं, ये आपका ब्राह्मण धर्म का नंबर टू है जैन। जैन धर्म की 600 बीसी में शुरुआत होती है। जैन धर्म के फाउंडर है महावीर स्वामी। एक्चुअली महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर? 24 क्या हुए हैं? तीर्थंकर। तीर्थंकर क्या होता है? ऐसे लोग जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, ऐसे लोग जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है तीर्थंकर कहलाते हैं। तो महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे, यानी इससे पहले 23 लोगों को ज्ञान और प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब सबसे पहले पूछा जाएगा पहले तीर्थंकर कौन थे, ठीक है, पहले तीर्थंकर कौन थे, अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो अंतिम तो महावीर स्वामी थे। और जो तीर्थंकर मिलते हैं उसमें पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव इन्हीं का दूसरा नाम मिलता है आदिनाथ, ठीक है। तो अब आपके मतलब का ये नहीं है कि 24 तीर्थंकर कौन थे और उनके नाम लिखाए जा रहे हैं, तो पहले जान लीजिए पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, दूसरा नाम मिलता है आदिनाथ थे इन्हीं का, ठीक है। दूसरे तीर्थंकर मान लीजिए अजितनाथ थे, 23वें प्रथम ऐतिहासिक और तीसरे प्रथम ऐतिहासिक और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अब इसको थोड़ा सा समझा देते हैं, क्या है ऐसे लोग जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है तीर्थंकर कहलाते हैं। पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ या ऋषभदेव। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन थे, यानी जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था उस समय के लिए, ठीक है, समकालीन थे। दूसरे तीर्थंकर हैं अजितनाथ, ये भी उसी समय के लगभग होते हैं। प्रथम ऐतिहासिक और 23वें तीर्थंकर जो है वो है आपके कौन? पार्श्वनाथ। मतलब इसका क्या है? मतलब ये है कि ऐसे तीर्थंकर 24वें से जिनको इतिहास प्रमाणित करता है, जिनके पास इतिहास में जिनका डेटा है इतिहास प्रमाणित करता है, वो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। यानी पहले ऐतिहासिक और प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, लेकिन ये थे कौन से तीर्थंकर? 23वें तीर्थंकर, ठीक। और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान सबको प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी, जिन्होंने किसकी शुरुआत की? जिन्होंने शुरुआत की थी जैनिज्म की, जैन धर्म की। तो अगर पूछा जाए जैन धर्म के फाउंडर कौन थे? महावीर स्वामी, ठीक है। तो छठी शताब्दी में 600 बीसी में जैन धर्म के उदय के पीछे सबसे बड़ा कारण था हिंदुओं में कर्मकांडों का बोलबाला, ये सबसे बड़ा कारण, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, प्रथम ऐतिहासिक और 23वें तीर्थंकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ, ठीक। जैन धर्म में चार महाव्रत, अब जैन धर्म के कंसेप्ट पे आते हैं। जैन धर्म में चार महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्ते और अपरिग्रह मिलते हैं। क्या मिलते हैं चार महाव्रत? सत्य, अहिंसा, अस्ते और अपरिग्रह। इसका मतलब समझिए, सत्य, सत्य का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ सत्य बोलना, सत्य का मतलब जो सही है वो समझिए। सत्य मतलब ऐसी हर चीज, जैसे मान लीजिए हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, ये सत्य है। हमें अपने छोटे भाई, अपने अनुज का जो है, छोटे भाई को बड़े भाई की बात माननी चाहिए, सत्य है। बड़े भाई को छोटे भाई का ख्याल रखना चाहिए, सत्य है। यानी ऐसा अपने गुरुजनों की इज्जत करनी चाहिए, सत्य है, ठीक है। परमात्मा का हमेशा जो है थैंक्स बोलना चाहिए, सत्य है। आप जो कुछ है उसी वजह से। कहने का मतलब यहाँ पर यह है वो हर चीज जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो सत्य है, ठीक है। तो सत्य, अहिंसा, अहिंसा मतलब ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी को तकलीफ हो। अहिंसा मतलब किसी को मारना ही नहीं होता। अहिंसा दो तरह की होती है,
एक अहिंसा वो है कि भाई आपने किसी को मार पीट आप नहीं करते लेकिन आप उसका नुकसान बहुत बड़ा करते हैं इनडायरेक्ट में, तो भी तो अहिंसा ही है, वो भी तो अहिंसा ही है। कहने का मतलब ये है सत्य और अहिंसा, अहिंसा मतलब कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे किसी को नुकसान हो, ठीक है। अब परिग्रह और सत्य अहिंसा अस्ते चोरी ना करना अपरिग्रह, तो ये जो है चार कंसेप्ट मिलते हैं किसके महावीर स्वामी के, मतलब जो है जैन धर्म में चार कंसेप्ट थे, ठीक है। महावीर ने ब्रह्मचर्य उपदेश इसमें नया जोड़ा था, तो ये महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ा। ब्रह्मचर्य क्या है ज्यादातर लोग ये समझते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब होता विवाह न करना, विवाह न करना ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य का जो डेफिनेशन है वो अलग है। एक्चुअली ब्रह्मचर्य क्या है उसको मैं समझाता हूँ। कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में चार भागों में 100 साल को बांटा गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ठीक है। तो उसी तरीके से जो ब्रह्मचर्य है उसका मतलब समझिए, अपने पॉइंट बात उतर नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा मामला। तो जो ब्रह्मचर्य है वो ये है कि ऐसी विपरीत सेक्स के प्रति अटेंशन पे ना करना ब्रह्मचर्य है, अपोजिट सेक्स के प्रति अटेंशन पे ना करना ब्रह्मचर्य है। जैसे जब व्यक्ति अपने फर्स्ट स्टेज में होता है यानी 0 to 25 years जब व्यक्ति जवान होता है, पढ़ता लिखता है, अपनी लाइफ को बनाने का उसका समय होता है, यानी वो समय शुरू होता है 14-15 साल से लेकर के 25 साल तक, उस समय हमारे जो शास्त्र हैं हिंदू धर्म के वो ये कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो इसका मतलब ये है कि उस समय आप अपोजिट सेक्स से दूर रहे और पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो काम करें जो आपको करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करें। जैनिज्म में कहा गया ब्रह्मचर्य अपनाएं, ब्रह्मचर्य अपनाएं, ठीक है। ऐसी जगह पर, ऐसी चौखट पर भी ना जाएं जहां पर कोई स्त्री हो, हर स्त्री में अपनी माँ और बहन का रूप देखो, ये है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने नया जोड़ा। महावीर स्वामी को लुच्चा कहा गया, लुच्चा, लुच्चा का मतलब क्या है इसको समझिए, लुच्चा क्या है महावीर स्वामी, लुच्चा का मतलब लुच्चा लफंग का बदमाश वाला लुच्चा नहीं, लुच्चा का मतलब है महावीर स्वामी ने सबसे पहले अपने बालों का लोचन करवाया था, अपने बालों का क्या करवाया लोचन, तो अपने बालों का लोचन मतलब राख लगाकर बालों को निकलवा देना। ऐसा क्यों किया उसके पीछे कंसेप्ट समझिए, महावीर स्वामी ने नग्न रहने का कंसेप्ट जोड़ा, ठीक है। ये नग्न रहने का कंसेप्ट क्या है, लोचन का कंसेप्ट क्या है, महावीर स्वामी ने कहा निर्वस्त्र रहिए। निर्वस्त्र रहने के पीछे क्या उद्देश्य था, व्यक्ति अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत अटेंशन पे करता है जबकि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं वो नग्न रहते हैं, नेकेड रहते हैं, इंसान को छोड़ दो, ठीक है। तो महावीर ने, महावीर स्वामी का कहना था कि जब व्यक्ति नग्न रहेगा तो उसका सेक्स के प्रति जो रुझान है, जो जिज्ञासाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, यानी वो चीज बेकार हो जाएगी, उस चीज की वैल्यू लेस हो जाएगी। इसलिए उन्होंने नग्न रहने का कंसेप्ट जोड़ा और लोचन इसलिए कराया कि जब व्यक्ति के बाल आल हटा दिए जाते हैं तो व्यक्ति देखने में कैसा लगता है, ठीक है। तो उन्होंने लोचन कराने का कंसेप्ट जोड़ा, इसकी वजह से उनको लुच्चा कहा गया और नग्न रहने का कंसेप्ट जोड़ा। उनका कहना था कि प्रकृति जिस रूप में व्यक्ति को प्रेजेंट करती है, व्यक्ति जिस रूप में पैदा होता है, व्यक्ति को उसी रूप में रहना चाहिए, ठीक है। आगे है महावीर स्वामी का पहला शिष्य जामाली था, जामाली क्या नाम था उनका, जामाली, पूछा गया प्रश्न, पहला शिष्य जामाली था और यही बाद में क्या हुआ उनका जो है वो दामाद भी बना, ठीक है। पहला शिष्य जामाली था जो बाद में उनका दामाद बना, ठीक। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया यानी संन्यास लिया 30 वर्ष की उम्र, ठीक है। महावीर जो है उनका जन्म 540 बीसी में, महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में हुआ। सबसे पहले बात करें कि बीसी और एडी क्या है, ये बिफोर क्राइस्ट और एडी, आप लोगों ने एक नंबर लाइन देखी होगी, दिस इज द नंबर, इस नंबर लाइन में एडी 0 पॉइंट हो गया, ईसा मान लेते हैं। वैसे ईसा जी का जन्म था वो 4 बीसी हुआ था, ईसा मसीह का जन्म 4 बीसी हुआ था। देखिए जब हम इधर पढ़ेंगे मान लेते हैं 100 बीसी
300 BC, ए माइनस 200 BC, ए माइनस 300 BC, ऐसे तो होगा ये BC. इधर हम करेंगे 100 BC, 200 AD, ठीक, और इधर आकर 300 AD, ठीक। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर, ईसा से 300 साल पहले, ईसा से 200 साल पहले, ईसा से 100 साल पहले, यानी अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लो मैं अब्दुल सर, मैं ईसा से 300 साल पहले का पैदा हुआ और 100 साल बाद मरूंगा तो ईसा से क्या मरूंगा, 200 साल पहले मरूंगा, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या लिखेंगे, माइनस 300 BC टू माइनस 200 BC, यानी मेरा जन्म ईसा से 300 साल पहले हुआ, 300 BC हुआ और 200 BC मेरी मृत्यु, समझिए आप। इसलिए ईसा को उल्टा लिखा जाता है और इसे भी सीधा लिखा जाता है, इस चीज को समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। तो जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म ईसा से 540 साल पहले हुआ था, यानी ईसा से 540 BC में इनका जन्म हुआ था, 540 BC में इनका जन्म हुआ, और 30 वर्ष के बाद इन्होंने क्या ले लिया, संन्यास ले लिया, ठीक है। महावीर स्वामी जी की जो जाति थी वो ज्ञातक थी, किस जाति के थे, ज्ञातक जाति, महावीर स्वामी की जाति ज्ञातक थी, एक ज्ञातक जाति के थे, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ, महावीर स्वामी की मां त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था, ये ध्यान रखिएगा। महावीर का विवाह जो है यशोदा से हुआ था, महावीर स्वामी का विवाह यशोदा से हुआ था, वह इनके बड़े, इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, जिनकी आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग किया। पूछा जाएगा महावीर स्वामी ने किसकी आज्ञा से गृह त्याग किया, नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया। 42 वर्ष की उम्र में, 42 ईयर में महावीर स्वामी को जो है वो 42 वर्ष की उम्र, माफ करिए, इसको समझिए, यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। 30 साल में इन्होंने संन्यास लिया और 42 साल में इन्होंने गृह त्याग किया, यानी 30 वर्ष से उम्र में ये अपने अध्यात्म में जुट गए, यानी ये जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए जुट गए, लेकिन 42 ईयर की एज में आकर इन्होंने क्या किया, गृह त्याग कर दिया और घर से निकल गए, इसकी खोज में, सत्य की खोज में, ज्ञान प्राप्ति की खोज में निकल गए, ठीक, ध्यान रखिएगा। 42 ईयर में महावीर स्वामी को सालमल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, जुम्भिक ग्राम के निकट ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर समझिए, ऋजुपालिका नदी के तट पर जुम्भिक ग्राम के निकट इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, सालमल वृक्ष था, सालमल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर जुम्भिक ग्राम में इनको है ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी ने धर्म का प्रचार प्रसार 30 वर्षों तक किया, 30 ईयर तक जो है ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे और 468 BC में इनकी मृत्यु हो गई। 72 ईयर में 468 BC में महावीर स्वामी की जो है मृत्यु होती है। मृत्यु स्थान है इनका पावापुरी, पावापुरी एक जगह है जहां पर इनकी मृत्यु होती है। जैन धर्म का जो उद्देश्य है वो क्या है, अंतिम उद्देश्य, तो जितने भी ये धर्म है इनका अंतिम उद्देश्य, ज्यादातर का सभी अंतिम उद्देश्य है निर्वाण। तो यहाँ पे तीन शब्द और लिख रहे हैं, उनको और समझ लीजिए, क्या है निर्वाण, मोक्ष और कैवल्य, इसको समझ लीजिए। इनका मतलब एक ही, निर्वाण प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना और कैवल्य प्राप्त करना, इन सबका मतलब एक है, समझ गया मुझे लगा, मोक्ष की प्राप्ति, मरने के बाद अगर आप सत्कर्म करेंगे तो मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब इसमें अंतर है, ये जो है हिंदू धर्म कहता है आफ्टर डेथ, एडी अपने, यानी मृत्यु के बाद बस, और ये कहते हैं जिंदा रहते ही, यानी जैनिस्म कहता है कि अगर आप
मेरे द्वारा बताए गए मार्गों पर चलेंगे तो जीते जी कैवल्य प्राप्त होगा। बुद्धिस्म कहता है कि अगर मेरे द्वारा बताए गए मार्गों पर चलेंगे तो जीते जी निर्वाण की प्राप्ति होगी, यानी निर्वाण और कैवल्य दोनों जो है वो जीते जी मिलेंगे अगर आप क्या करेंगे, आप उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चलेंगे, महावीर स्वामी द्वारा मार्गों पर बताए गए मार्ग चलेंगे या भगवान बुद्ध के द्वारा मार्ग पर चलेंगे। तो यानी कि ये मोक्ष और कैवल्य और निर्वाण एक ही जीतने, इसका मतलब है मोक्ष। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई उसके बाद पहली जैन संगीत जो है मृत्यु के 300 वर्ष के पश्चात होती है। तो ये जरूर पूछा जाता है पहली कब हुई, ठीक है, कौन इसका जो है अध्यक्ष था, ये चीजें आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो उसको लिखा देंगे आप। ठीक है, महावीर द्वारा स्थापित जो धर्म था, जो महावीर स्वामी ने धर्म चलाया था उसका नाम था निर्ग्रंथ। ठीक है, बाद में जो है वो जैन धर्म के नाम से जाना गया। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिए। महावीर जो जैन धर्म था उसको सात महान वंश ने संरक्षण नहीं दिया। ठीक, सात महान वंश, जैसे हमारा जो भारत है उसका जो निचला हिस्सा है, मान लीजिए तो जो निचला हिस्सा है यहाँ पर गुड में जो था इस जगह पर, ये सात महान डायनेस्टी थी, तो जो सात महान डायनेस्टी थी वो बीच में थी, तो इसकी वजह से जैन धर्म जो है इसके विपरीत रहा, यानी साउथ में दक्षिण भारत में जैन धर्म नहीं फैल पाया क्योंकि सात महान वंश ने जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास, और किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।